नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। इसी शुभ कामना के साथ में आज के वीडियो में आप सभी के सपनों का रहस्य एक बार फिर से आप सभी तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वप्न में कुछ भी दिख सकता है। बात करेंगे सपने में मंत्र सुनने की, मंत्र बोलने की, तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसका अर्थ। प्रातःकाल उठकर तो ईश्वर की आराधना हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन ईश्वर की कृपा से ही मिला है और कब नष्ट हो जाएगा इसका भी पता नहीं। इसलिए मानव जीवन सफल हो पाए इसके लिए प्रातःकाल अवश्य ही ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने सपने में देखा है मंत्र को जपते हुए, मंत्र को बोलते हुए, वह मंत्र कोई भी हो सकता है, ओम हो सकता है, या हो सकता है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हों, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हों, या और किसी मंत्र का। तो दोस्तों, ये बेहद ही अच्छा, शुभ, मंगलकारी सपना सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी देखा है तो दोस्तों ये सपना आपको विजय प्राप्ति का संकेत देता है। दोस्तों, जल्द ही आपकी कामना जो दबी पड़ी है, आप लगातार प्रयास में भी हैं, दोस्तों लगे रहिए, जल्द ही आपकी कामना भी पूरी होने का संकेत है। साथ ही साथ अचानक आपको लाभ प्राप्ति, और अगर मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, किसी बात को लेकर आप बहुत टेंशनाइज हैं, दोस्तों उसमें भी आपको लाभ होगा। यह सपना जल्दी आपको विजय, यश, कीर्ति, मन की शांति, प्रेम, स्नेह का सूचक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह का कोई भी आप सपना देखें मंत्र से संबंधित, तो दोस्तों इसके लिए आप जरूर प्रातःकाल उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करें, इससे शुभ और मंगल होगा। हो सके तो गायत्री मंत्र का जप जरूर करें 11 बार। तो दोस्तों, आप सभी का मंगल, शुभ कल्याण हो, हमारी भी शुभकामना है। आगे के वीडियो को अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, अभी तक नहीं किया तो जरूर करिए, आइकॉन बल प्रेस करिए, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।